सभी कलेक्टर को यहाँ मैंने बोला मदर टेरेसा है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, झांसी की रानी है, शिवाजी महाराज है, बाबा साहेब अम्बेडकर है, गुरु जी है और ये भीमराव अम्बेडकर है। उन सभी कला बाल कलाकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग को बहुत शॉर्ट टाइम पे ये प्रोग्राम करना पड़ा। हम लोग बहुत इंतजाम कर रहे थे प्रोग्राम करने का, लेकिन सबसे नहीं हो पा रहा था। और इतने शॉर्ट टाइम पे अगर आप लोग इतने भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरे पीछे बस्ती में जा रहा था, वहाँ पर कुछ लेडीज ने मुझे कहा कि इसमें भाई पुलिस तो बहुत मात्रा में यहाँ पर आ गई है, हमको डर लग रहा है देख के। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि वो पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए आई है, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितने निचले स्तर के पुलिस वाले हैं, जो लोकल पुलिस वाले हैं, वो सब अपने सपोर्ट में है। जो बाहर के अधिकारी आए हुए हैं, जो आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, वो खाली अपने विरोध में काम कर रहे हैं, बाकी जितने लोकल ऑफिसर हैं वो सब अपने सपोर्ट में है। आप हम लोग हमारे हर प्रदेश के अंदर जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनका हम लोग उसमें सम्मान करते थे, उनको बोलते थे कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, आप लोग घबराइए मत, बराबर कि नहीं। जो बाहर से पुलिस आई थी हमारे हर मीटिंग में, आप देखिए हम लोग उनके लिए अच्छा ही शब्द बोलते हैं। अच्छा। आज के मीटिंग में भी हमने कहा कि ये हमने हमसे बात करते हैं, हम कहते हैं हम आपके प्रोटेक्शन के लिए, आप लोग चिंता मत, आप प्रेस कीजिए। और उनमें से एक आदमी आके एक महिला के सर के ऊपर हेलमेट से वार करता है, हेलमेट से वार किया। एक मिनट, वो उसमें से एक आदमी आके आज जितने जवान ब्लू वर्दी में खड़े ना, उनको शर्मसार कर दिया उस व्यक्ति ने। आज वो अपनी आंखों से गिर चुके हैं, झुक चुके हैं। यही संविधान कसम लेके आए थे ना, यही संविधान कसम लेके आए थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप रक्षा कीजिए, नो डाउट। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, रोकना आपका अधिकार है, लेकिन मारना अधिकार नहीं है। वो भी एक महीना से आंदोलन कर रहा है, लोगों को कुछ नहीं हुआ, एक महीना वो भी आजा के इन लोग ने कर दिया, वो भी एक महिला को। आप कल्पना कर सकते हैं क्या, किसी महिला को प्रोटेस्ट कर रही है, आप उसके सर पे हेलमेट से वार करेंगे, आप वो लड़के के ऊपर, उस महिला के ऊपर बाल्टी से वार करेंगे, आप कैरोसिन, आप कैरोसिन डाल के पानी डाला है, कैरोसिन का स्मेल है। इधर भी इसने ऐसे करके चिमटी मारा, कमर में मारा और लात भी मारा है। और कैरोसिन डालने बाद क्या बोलते हैं, अरे वो पानी था, उनको पता नहीं था कि उसके कैरोसिन, क्योंकि वहाँ पे चिकन मुर्गी की दुकान है, वहाँ पे लकड़े जलाने के लिए कैरोसिन का उपयोग किया जाता है। आज वो मैडम ने, दीपिका भगत ने, उनको एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या डाला, तो उसके अंदर कैरोसिन था। और आप स्मेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर तीन लोगों के ऊपर उनका कैरोसिन डाला हुआ है, तीन लोगों के ऊपर। आज मैं पूछता जाता हूँ, ब्लू वर्दी में खड़े ना, आप अपने मन से बताइए कि वो व्यक्ति ने गलत किया कि सही किया। आज इस व्यक्ति की वजह से आप लोग की रेपुटेशन फोर बदनाम हो गई कि आप लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप महिलाओं के ऊपर हेलमेट से वार करते हैं, ये चलेगा क्या? लोकतंत्र के अंदर नहीं चलेगा, लोकतंत्र के अंदर लोग बड़े होते हैं, तंत्र बड़ा नहीं होता। हम लोग 70 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सलूट करना चाहता हूँ हमारे सीली के जो इंचार्ज थे सोनू दुबे जी, मैं रिस्पेक्ट से करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतनी बड़ी गैदरिंग हुई, उस बंदे ने पूरा मैनेज किया, हाथ नहीं किसी के ऊपर उठाया। आज ये छोटी सी बस्ती इंदिरा नगर, कितना बस्ती था, ज्यादा लोग Thank you.
Thank you.
सही में आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, इतने बड़े नेता का हादसा हो गया है। लेकिन हम भी क्या करें, हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से आदेश आता है, लेकिन ऊपर वाला आदेश है ना, ये नहीं चलने वाला है, ऊपर का आदेश अब नहीं चलेगा, अब जनता का आदेश चलेगा। लोकतंत्र के अंदर लोग बड़े होते हैं, तंत्र बड़ा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए आप। और यहाँ पधारे जितने भी पदाधिकारी आए हैं उनका भी धन्यवाद चला था कि मैंने सब टाइम पे उनको निवेदन किया और वहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और अभी हम